चीन के इलाके में घुसकर भारत ने ललकारा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय नौसेना के 3 आधुनिक युद्धपोत साउथ चाइना सी में तैनात किए गए हैं और ये तीनों युद्धपोत इस समय उस इलाके में हैं जिसे साउथ चाइना सी कहा जाता है और जहां अक्सर चीन ने जबरन कई द्वीपों पर कब्जा किया है, उसके कई सैन्य अड्डे बनाए हैं और यहां उसके पड़ोसियों के साथ उसकी तकरार और तल्खी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे हालात में भारत के 3 युद्धपोत वहां गश्त लगाएंगे। इनमें भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं जिन पर आधुनिक मिसाइलें और रडार तैनात हैं। ये चीन को भारत का जवाब है। और इससे पहले आपने कई बार यह सुना होगा कि चीन के जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन अब 3 शिप की मदद से भारतीय नौसेना चीन को उसी भाषा में जवाब दे रही है जो भाषा वो भारत के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है। चीन के दरवाजे पर भारत के 3 बाहुबली। भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत INS दिल्ली, INS किलकाट और INS शक्ति चीन की समुद्री सीमा के करीब हैं। इन युद्धपोतों की ताकत बताएंगे, लेकिन पहले इनकी लोकेशन का मतलब समझिए। तीनों युद्धपोत इस समय सिंगापुर में हैं और इसके ठीक सामने साउथ चाइना सी का विवादित इलाका है और भारतीय नौसेना ने इन्हें इसी इलाके में तैनात किया है। ये भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का बेड़ा है जो साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती देगा। ये वही विवादित इलाका है जिसे लेकर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है। भारत ने जिन युद्धपोतों को तैनात किया है वो किसी भी हालात का मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। INS दिल्ली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिन पर बराक 8 के साथ ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं, यानी इससे हवा, समंदर और जमीन पर मिसाइल अटैक किया जा सकता है। INS किलकाट दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और मार गिराने की ताकत रखता है। ये नौसेना के सबसे आधुनिक जहाजों में से एक है और INS शक्ति भारतीय नौसेना के सबसे बड़े जहाजों में से एक है जो समंदर में ही युद्धपोतों को ईंधन और रसद की सप्लाई करता है। नेवी के तीनों शिप की तैनाती चीन के खिलाफ जैसे को तैसा वाली रणनीति है। अक्सर चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियां भारत के इलाके के आसपास दिखाई देते हैं और भारत ने भी चीन की सीमा के करीब अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच 3 दशक पुराने मजबूत संबंध हैं। इस विजिट से दोनों देशों की आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और चीन को सीधा मैसेज पहुंचेगा। 2021 में भी भारत ने साउथ चाइना सी में अपना युद्धपोत तैनात किया था और चीन के दुश्मनों के साथ अपने संबंध बेहतर किए। पिछले कुछ दिनों में भारत ने ऐसे कई फैसले किए जो जिनपिंग की चिंता बढ़ा रही है। 19 अप्रैल को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें डिलीवर की हैं। फिर 6 मई को भारत के 3 युद्धपोत सिंगापुर पहुंच गए और भारतीय नौसेना का त्रिकोण चीन की चिंता बढ़ा रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।